तो आप सबको जोहार। और यहाँ पर चंडीगढ़ मेयर का जो चुनाव है वो अभी चर्चा का विषय बना हुआ है, इसलिए नहीं कि जो चुनाव है वो होने वाला है, बल्कि इसलिए कि चुनाव जो है वो हो चुका है। और इस तरीके से चुनाव हुआ कि यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट को भी ये बोलना पड़ा कि ये जिस तरीके से चुनाव जो करवाया गया है कहीं ना कहीं ये लोकतंत्र की हत्या है। और यहाँ पर बीजेपी जो एटीट्यूड में आकर जिसने यहाँ पर लोकतंत्र को एक तरीके से तार तार करके रख दिया जीत, और उसी वजह से उसने कुछ ऐसा कर दिया जिसके वजह से वो खुद ही अब इन सारी चीज़ों में फंस गई है। और कहीं ना कहीं उसी वजह से ये जो चीज़ है या फिर ये जो मेयर का जो चुनाव है, चंडीगढ़ मेयर का चुनाव, वो अब इसके गले का जो है एक तरीके से फंदा भी बन चुका है। और यहाँ पर मैं आपको एक एग्जांपल देके समझाना चाहूँगा कि जैसा कि आप सबको पता ही है कि जो कमल है वो कीचड़ में ही खिलता है, और यहाँ पर हम लोग कमल को मोदी मान सकते हैं और जो कीचड़ है वो उसको हम लोग कार्यकर्ता नेता जो बीजेपी में है उसको हम लोग मान के चलते हैं। तो जब भी कुछ अच्छा काम होता है तो सारा क्रेडिट जो है वो मोदी ले जाते हैं कि सब मैंने किया है, मोदी की गारंटी। और जब भी कुछ गड़बड़ हो जाती है, कुछ भी पछड़ों में जब बीजेपी या फिर यहाँ पर मोदी फंसने लगते हैं तो बाकी लोगों को यहाँ पर उसमें ठूस दिया जाता है और बोला जाता है कि गलतियां जो है वो इन्होंने की है। जैसे कि इलेक्ट्रोल बॉन्ड वाला कांड, जहां पर सारा का सारा जो दारोमदार है या फिर सारी जो जिम्मेदारी है या फिर जो गलती है वो अरुण जेटली पर थोप दी गई, क्योंकि वो अभी इस दुनिया में है नहीं तो यहाँ पर वो कुछ बोलेंगे भी क्या। अब यहाँ पर कुछ ऐसा ही देखने को मिल रहा है, क्योंकि जिसने किया है उसको तो कोई कुछ नहीं बोल रहा है, लेकिन जिसने कुछ किया नहीं है सारा का सारा यहाँ पर दोष उसी के माथे मढ़ दिया जा रहा है। क्योंकि यहाँ पर जो बाबूलाल मरांडी हैं जो कि अभी बीजेपी में हैं, उनको यहाँ पर इसके लपेटे में लिया जा रहा है, उनको यहाँ पर लपेटने की कोशिश की जा रही है। तो यहाँ पर भी हमें कुछ ऐसा ही देखने को मिल रहा है, जहाँ पर ये जो सारा बखेड़ा खड़ा हुआ है इसका जो क्रेडिट है मोदी और अमित शाह को मिलना चाहिए था, लेकिन अब यहाँ पर बाबूलाल मरांडी को भी इसमें लपेटा जा रहा है। वो दरअसल इसलिए, चलिए मैं आपको बताता हूँ ऐसा क्यों हो रहा है और किस वजह से। जैसे कि पहले भी मैंने आपको बताया है कि बाबूलाल मरांडी भविष्यवाणी करने में बहुत ही ज़्यादा माहिर है, तो यहाँ पर उन्होंने बहुत ही पहले ये भविष्यवाणी कर दी थी और न्यूज़पेपर की एक कटिंग जो है वो काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से वायरल हो रही है। वो कुतुब मीनार वाला नहीं कि मैं कूद जाऊँगा फंस जाऊँगा वो वाला नहीं, एक न्यूज़पेपर की कटिंग जो है वो वायरल हो गई है, और जहाँ पर उन्होंने साफ साफ ये बोला भी था कि जो सत्ता हथियाने के लिए जो बीजेपी है वो किसी भी हद तक जा सकती है, जीतने के लिए उसको जो करना पड़े वो कर सकती है, भले यहाँ पर लोकतंत्र की हत्या ही क्यों ना करनी पड़े, जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पर देख भी सकते हो। और कहीं ना कहीं उन्होंने जो कहा था काफ़ी सालों पहले बीजेपी में शामिल होने से पहले और ये सारी चीज़ें करने से पहले, जिस वजह से अब उनको लपेटा जा रहा है, तो उन्होंने पहले ही भविष्यवाणी कर दी थी कि ऐसा कुछ होने वाला है, जो कि यहाँ पर सच साबित होता हुआ दिख भी रहा है। बाकी इस चीज़ को लेकर आपकी क्या राय है, आपके क्या विचार हैं, आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। जोहार।